अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम कुछ सीक्रेट बातें करेंगे सीएनआईसी के बारे में कि पाकिस्तान में जितने भी शहरी रहते हैं तकरीबन जो 18 साल के हो जाते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाता है, तो उसके कुछ सीक्रेट बातें हैं जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। तो व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम सीक्रेट बिहाइंड सीएनआईसी नंबर के बारे में सीक्रेट बातें करेंगे आज। तो आपसे सिर्फ व्यूवर्स ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको ये मज़े की नॉलेज सीएनआईसी के बारे में, हुकूमत पाकिस्तान कौमी शनाख्ती कार्ड के बारे में पता चल जाए। तो व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो व्यूअर्स, कुछ सीक्रेट है सीएनआईसी जो जानिए कौमी शनाख्ती कार्ड में जो छुपे राज है वो आप जाने आज की वीडियो में। सीएनआईसी का पहला नंबर जो होता है वो सूबा या इलाका जाहिर करता है। जी व्यूअर्स, जो हमारा जो सीएनआईसी नंबर होता है उसका जो पहला नंबर होता है वो जो सूबा या इलाका जाहिर करता है। तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि कौन सा नंबर कौन से सूबे के लिए है या इलाके के लिए है। तो व्यूअर्स, चलते हैं आगे। तो व्यूअर्स, हमारे पास जो पहला नंबर जो आता है जिस तरह ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है 12101, जिस तरह 1 से शुरू होता है सीएनआईसी नंबर, तो वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लिए है। ठीक है व्यूअर्स, जो 1 से स्टार्ट होगा शनाख्ती कार्ड नंबर वो केपीके जो है वो उनके लिए है जो केपीके में रहते हैं, जिनका सूबा केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा है। तो सेकंड नंबर को कौन से सूबे के लिए यूज़ होता है, चलते व्यूअर्स आगे। तो व्यूअर्स, अगर हमारा पहला नंबर 2 हो सीएनआईसी का, तो वो फाटा में जितने भी लोग रहते हैं फाटा के, तो उसका 2 से स्टार्ट होता है। मसलन दिया हुआ है जिस तरह ये 2 2 1 0 1, 2 से जो स्टार्ट होता है सीएनआईसी नंबर, तो वो फाटा के लोग होते हैं। उसके बाद अगर पहला नंबर 3 हो सीएनआईसी का, तो वो सूबे पंजाब के जितने भी लोग हैं उनका 3 से स्टार्ट होता है। मसलन ये दिया हुआ है 3 2 1 0 1, इस तरह जैसे भी 3 से स्टार्ट होता है पहला नंबर, तो वो होगा सूबे पंजाब में, जिसका सूबे पंजाब है उसके 3 से स्टार्ट होता है सीएनआईसी नंबर। तो चलते हैं आगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, अगर पहला नंबर 4 से स्टार्ट होता है सीएनआईसी का, तो वो सूबे सिंध के जितने भी लोग हैं उनके 4 से स्टार्ट होता है सीएनआईसी नंबर, जिस तरह ये 4 ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 2101, जिसका 4 से स्टार्ट होता है वो सूबे सिंध के लोगों का शनाख्ती कार्ड जो हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है। तो चलते हैं आगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, हमारे पास अगर 5 से स्टार्ट होता है सीएनआईसी, 5 से, तो वो क्या होगा, वो सूबे बलूचिस्तान में जितने लोग रहते हैं जिनका सूबे बलूचिस्तान है उनका सीएनआईसी नंबर शनाख्ती कार्ड नंबर 5 से स्टार्ट होता है। मसलन ये दिया हुआ है 5 2 1 0 1, तो ये जो 5 से स्टार्ट होता है वो कौन से इलाके का होता है, सूबे बलूचिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनका 5 से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं व्यूअर्स आगे। तो व्यूअर्स, अगर 6 से स्टार्ट होता है 6 से सीएनआईसी नंबर, तो वो किसके लिए होगा, इस्लामाबाद में जितने भी लोग हैं जिसका शहर इस्लामाबाद है, तो उनका क्या होगा, 6 से स्टार्ट होगा शनाख्ती कार्ड नंबर 6 से स्टार्ट होगा, जिस तरह ये एग्जांपल दिया हुआ है 6 2 1 0 1, 6 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं व्यूअर्स, अगर हमारे पास 7 से स्टार्ट हो 7 से सीएनआईसी नंबर शनाख्ती कार्ड नंबर, तो वो सूबे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए है, वहाँ पे जिसका सूबा गिलगित बल्तिस्तान है बल्तिस्तान, तो उनका शनाख्ती कार्ड नंबर 7 से स्टार्ट होता है, तो ये 7 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान सूबे के लिए है। तो व्यूअर्स, चलते हैं आगे। तो व्यूअर्स, हमने बात की कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो कौन से सूबे या इलाके के लिए होगा। अब इस तरह शनाख्ती कार्ड का जो आखिरी नंबर होता है लास्ट नंबर, वो किसको जाहिर करता है, जींस को जाहिर करता है कि वो मर्द है या औरत है, जो लास्ट
डिजिट होते हैं ना, वो जो लास्ट नंबर होते हैं कौमी शनाख्ती कार्ड के, वो क्या करते हैं, वो जींस मर्द है या औरत है तो उनके जाहिर करता है। पहले हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो इलाका या सूबे को जाहिर करता है, लेकिन जो लास्ट नंबर है वो मर्द या औरत को जाहिर करता है, जींस को जाहिर करता है। जिस तरह कुछ नंबर है वो मर्दों के लिए और कुछ नंबर है वो औरतों के लिए। तो चलते पढ़ते आगे। तो व्यूअर्स, मर्दों के लिए कौन सा लास्ट नंबर जो होगा वो मर्दों के लिए कौन से होंगे जिसके शिनाख्ती कार्ड के लास्ट में 13579 आ जाए, तो वो मर्द होगा, वो मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये सारे नंबर। ये 5 नंबर है, 5 नंबर है, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, जिस तरह ये शनाख्ती कार्ड सारा शनाख्ती कार्ड नंबर है जो लास्ट डिजिट होगा उसमें ये 5 जो है 5 नंबर इस्तेमाल होंगे, जो मर्द होगा, जो मेल होगा उसके लिए ये इस्तेमाल होंगे। और चलते आगे पढ़ते हैं कि औरत के लिए कौन से नंबर है ख़ास कि वो लास्ट में इस्तेमाल होते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, खवातीन के लिए, वुमेन के लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, 86420, ये 5 नंबर खवातीन के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनका लास्ट हिंसे पे ये 5 में से एक होगा, तो वो क्या होगा, खवातीन के लिए इस्तेमाल होंगे, वुमेन के लिए मसलन। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने कुछ सीक्रेट नंबर के बारे में, शिनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है उनके बारे में सीक्रेट बातें पढ़ी है और आपके इल्म में इजाफा किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड लास्ट नंबर क्या जाहिर करता है और फर्स्ट नंबर क्या जाहिर करता है, पूरा डिटेल से हमने पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आने वाले इस तरह मज़े की इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप तक वक्तन बवक्तन पहुँचती रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।